के लिए ही होता है, लेकिन अगर निर्माण कार्य धीमा हो और नियमों का पालन नहीं किया जाए तो जनता त्रस्त हो जाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है आरंग में जी। हाँ, यहाँ पर गोरखपथ का कार्य निर्माण बेहद धीमी गति से चल रहा है। निर्माण कंपनी के द्वारा मार्ग में जगह जगह गड्ढे किए गए हैं, जिसके चलते आसपास के नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है। ना किसी प्रकार के कोई संकेत चिन्ह यहाँ पर मिले हैं और न ही रेडियम पट्टी लगाई गई है, जिससे लोगों को जानकारी हो सके कि निर्माण कार्य जारी है। ऐसे में रोज दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। बता दें, आरंग के बैहर चौक के महासमुंद रोड तरह तक लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपथ का निर्माण हो रहा है, जिसका ठेका इंदौर का कल्याण टोल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को मिला है। काम बहुत स्लो है अपेक्षाकृत। यहाँ तो छोटे छोटे हादसे होते ही रहते हैं और घटना सूचना के अंदर अंदर एफिस भी नहीं लगा है जिससे मार्गदर्शन हो, जिससे जिससे जो परिवहन चालक है वो थोड़ा रुक सके या संकेतक को देख सके। जो गोरखपथ भरना रफ्तार तो वैसे धीमी नहीं है, बीच में कुछ कारणवश थोड़ा सा धीमा हो गया था, अभी तो फिर से उसने रफ्तार पकड़ ली है। अप्रैल तक हम उसको कम्प्लीट भी कर देंगे अप्रैल मई तक। दूसरा, इसके लिए ठेकेदार ने व्यवस्था की थी, रेडियम पट्टी शुरू में लगाई थी करोड़ रोड के आसपास, परंतु कुछ असामाजिक तत्व द्वारा उसको निकाल दिया गया। गरेवंत की